गोरखपुर में कोरोना मरीज की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े अब 50 के नीचे आ रहे हैं। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर केवल 25 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद जिले में संक्रमितों की का आंकड़ा 19,102 पहुंच गया है। इनमें से 18,193 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 309 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 600 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जांच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं या बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 9 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ और तिवारीपुर में एक एक कैंट और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए मरीज मिले हैं। इसमें बेलघाट में 1, उरवा पिपराइज भटाट में 2-2 और चरगावा में 5 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 4 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।